हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हरी क्रिएशन में। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी खास होने वाला है। साथ ही साथ में हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हमने मटेरियल टेलीग्राम में अवेलेबल कर दिया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मटेरियल टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन और दूसरा बिटमार्क और शेक इफेक्ट। दोनों के दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। आप उसे पासवर्ड डाल के अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर सकते हो। पासवर्ड वीडियो में दे दिया है और लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन भी बिना पासवर्ड के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी लोग पहले प्रीव्यू देख लीजिए, बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके गए हूँ होली स्पेशल के लिए ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, तो सॉन्ग बिट मार्क से फिर मिल जाएगा। तो सॉन्ग बिट में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आपको बिट मार्क दिखाई देंगे, उस पर हमको फोटो डालना है। तो ये इफेक्ट नंबर है, तो नंबर से आप आसानी से में फ़ोटो डाल सकते हो। तो यहाँ होली टेक्स का पीएनजी लगाना है। यहाँ पे लिरिक्स, तो स्टार्टिंग बीच पे आके प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, लिरिक्स वीडियो ऐड कर लीजिए। लिरिक्स वीडियो ऐड करने के बाद वीडियो पे क्लिक करके साउंड ऑफ कर दीजिए। जहाँ तक लिरिक्स आ रहा है वहाँ तक आ जाइए, जहाँ तक डबल बीट है। डबल बीट मार्क पे आ जाने के बाद वीडियो का पीछे का पार्ट कट कर देना है। इस तरह से लिरिक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे होली टेक्स्ट भी इंजेक्ट करना है, तो आपको शेक इफेक्ट ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद लास्ट में एक इस तरह से इफेक्ट का होली है, तो वह हम इस पर क्लिक करके यहाँ छोटा सा प्लस है वहाँ पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद सॉन्ग बीट में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डबल बीट पे आ जाना है। डबल बीट पे आ जाने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको फ़ोटो लगाना है, तो फ़ोटो के लिए प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल कंपरेशन एरिया कर लीजिए। फिर से यहाँ से फ़ोटो का पीछे का पार्ट कट कर दीजिए। बाद में प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। फिर से यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट फोटो का कर दीजिए। फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। फिर से यहाँ से फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दीजिए। इस तरह से आपको सारे बिट पे फोटो ऐड कर देना है। तो मैं जल्दी से फ़ोटो ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो दोस्तों, मैंने सारे बिट पे इफेक्ट डाल दिया, सॉरी फोटो बिट पे डाल दिया। तो आपको इफेक्ट डालने के लिए शेक इफेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ तीन फोटो की इफेक्ट दिखाई देगा। तो इफेक्ट नंबर एक लिखा है, वो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। फिर से सॉन्ग बिट में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद स्टार्टिंग वाले फ़ोटो पे आ जाइए। आ जाने के बाद जहाँ एक नंबर जितना लिखा है, जितने तक है, वहाँ में एक नंबर इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस तरह से एक नंबर में आपको सारे इफेक्ट पेस्ट कर देना है एक नंबर का। बाद में फिर से शेक इफेक्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद इफेक्ट नंबर दो का फोटो पे क्लिक कर लेना है। इफेक्ट पे क्लिक करिए, कॉपी इफेक्ट करके फिर से शेक इफेक्ट सॉरी सॉन्ग बटन में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ से दो नंबर जहाँ तक है जितने बीट में, तो वहाँ पे आप पर स्लाइड करोगे तो फोटो आएगा। तो वो दो नंबर का इफेक्ट पेस्ट करना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। फिर बाद में शेक इफेक्ट फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इफेक्ट तीन नंबर का फोटो है वहाँ पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। फिर से आपको सॉन्ग बिट में ओपन कर लेना है। बाद में यहाँ से तीन नंबर
इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर स्लाइड करके सारे पीछे का जो फोटो बाकी था बाकी है उसमें ये इफेक्ट पेस्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से कुछ दिखे देंगे। तो मैंने सारी फोटो में इफेक्ट पेस्ट कर दिया है, तो आपको स्टार्टिंग वाले फोटो पे आ जाना है। बाद में प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए और एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ले लेना है। टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। बाद में यहाँ से साउंड ऑफ कर दीजिए, ब्लेंडिंग ओपेसिटी पे आ जाइए, लाइटिंग में आ जाइए, स्क्रीन कर लीजिए। तो इस तरह से टेम्पलेट का कुछ इफेक्ट दिखाई देगा, तो आपको लास्ट वाले फोटो पे आ जाना है। बाद में यहाँ से टेम्पलेट का पीछे का पार्ट कट कर देना है, तो हमारा स्टेटस बन के तैयार हो जाएगा। बाद में यहाँ पे सेटिंग के पास में का आइकन है, वहाँ पे आ जाइए। आ जाने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए।